विपक्ष के हंगामा के बीच मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट पेश कर लिया है। यह बजट पिछले साल के मुकाबले 16% अधिक है, क्योंकि यह बजट पूरे 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है। बता दें कि इस बजट में पेट्रोल डीजल पर कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। अब भी देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में ही बिकेगा। हालांकि राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों और किसानों के कई योजनाएं बहाल करने का निर्णय लिया है, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। बजट पेश के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघर ने के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों की मांग की थी कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले के लिए तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सागर को बर्खास्त किया जाए। इसको लेकर उन्होंने नारेबाजी भी की और बजट भाषण में व्यवधान डालने की कोशिश भी की। बता दें कि जब तक देवड़ा का भाषण चल रहा था, तब तक पीछे से विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने वर्कआउट कर लिया और बाहर जाकर धरने पर बैठ गए। देवड़ा ने अपनी भाषण के दौरान 2024 से 25 के बजट में जो प्रमुख घोषणाएं की, उनमें पीएम ई बस योजना अंतर्गत 6 शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं सागर में भारत सरकार की सहायता से 552 ई बसों का संचालन करना शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने 5 साल में वार्षिक बजट के आकार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। 2024 से 25 के बीच 3,65,067 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है, जो 2023 से 24 के 3,14,025 करोड़ रुपए के मुकाबले 16% अधिक है। मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किमी के विंध्य एक्सप्रेसवे, 450 किमी का मालवा निमाड़ विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ बनाया जाएगा। इसके दोनों औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में बाईपास के 7 शहर में आने वाले सभी मार्गों को 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा।